हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज गुप्ता। एक तरह से लास्ट प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन, सॉल्व इलस्ट्रेशन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, एंड दैट इज इलस्ट्रेशन 7, है ना। इसके बाद तो फिर अलग टाइप के क्वेश्चंस आपकी बुक में, और फिर कुछ अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं, वो तो मेरे ख्याल से आई एम श्योर आप कर ही सकते हैं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं इलस्ट्रेशन 7। इसमें सबसे पहला जो सीरियल नंबर है उसमें बताया कि उसने बिजनेस शुरू किया 50,000 रुपये कैश के साथ। तो यहाँ पर मेरी प्लस 50,000 की एंट्री आ जाएगी और उधर मेरी कैपिटल 50,000 से एप्रिशिएट करेगी, सिंपल एंट्री। देन हमने गुड्स खरीदे हैं 20,000 और 30,000 क्रेडिट पे। परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड क्रेडिट 30,000, तो सामान तो टोटल 50 का आ गया। खैर, लेकिन इससे मेरा कैश जरूर रिड्यूस हो गया 20,000 से, बिकॉज मैंने सामान खरीद लिया, स्टॉक खरीद लिया मैंने 20,000 का। ये माइनस स्टॉक मेरा 50,000 से प्लस हो गया, क्योंकि मैंने कुल मिला के 50,000 का स्टॉक खरीदा, लेकिन इसको बैलेंस किया मेरे क्रेडिटर्स ने 30,000 से जो मैंने उधार में माल खरीदा। नाउ थर्ड ट्रांजैक्शन बोल रही है कि मैंने सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000, कॉस्टिंग थी उनकी 30,000, तो इसका मतलब 10,000 कैपिटल में बढ़ गए, 10,000 का प्रॉफिट हुआ। थर्ड ट्रांजेक्शन में 40,000 मेरे प्लस हो गए जो मैंने सामान बेच दिया। स्टॉक मेरा जाएगा इसमें से 30,000 का, और इधर मेरी कैपिटल 10,000 से एप्रिशिएट करेगी, राइट। चलिए नाउ फोर्थ, इसमें रेंट पे किया है 500 और सैलरी पे किए 5,000। खर्चा ये 5,500 रुपये माइनस, कुल मिला के ये मेरा चला गया, और खर्चा एनी एक्सपेंस और लॉस विल बी एडजस्टेड बाय कैपिटल इन अकाउंटिंग इक्वेशन, 5,500 रुपये मैंने माइनस में डाल दिए, ठीक है ना। तो अभी तक हम देखिए कि 4 ट्रांजेक्शन्स टोटल जो है वो कर चुके हैं, राइट है ना। तो चलिए ठीक है, सही चल रहे हैं हम। अब आ जाते हैं फिफ्थ पे, रेंट आउटस्टैंडिंग 100, सैलरी आउटस्टैंडिंग 1,000। तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है बेसिकली, अगर ध्यान से देखें इस फिफ्थ में, तो उसने दो हमारे को आउटस्टैंडिंग खर्चे बताए हैं, हम इनको अलग अलग भी शो कर सकते हैं। एक इसमें 100 है और एक 1,000 है, टोटल 1,100 है, ठीक है ना। और इधर ये कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, क्योंकि नेचुरली खर्चा है तो कैपिटल को ये रिड्यूस करेगा, ठीक है ना। ये दोनों एंट्रीज आपको आई एम श्योर क्लियर हो गई होंगी, इसमें कुछ है नहीं। आउटस्टैंडिंग खर्चा है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि इसका क्या करना है। आउटस्टैंडिंग खर्चा हमारी कैपिटल को, क्योंकि खर्चा तो है ना, आउटस्टैंडिंग की बात अलग है, आउटस्टैंडिंग का मतलब अभी दिया नहीं बट खर्चा तो हो गया ना, इनकर्ड बट नॉट पेड, तो कैपिटल में से रिड्यूस होगा, और लायबिलिटी भी है, देना तो है, राइट। तो टेक्निकली इसको इस तरह से यहां मैं शो कर रहा हूं, राइट। छठी ट्रांजेक्शन क्या है, बॉट फर्नीचर 5,000 ऑन क्रेडिट। नाउ इससे मेरे क्रेडिटर्स बढ़ेंगे और फर्नीचर यहां पर मेरा प्लस में आएगा 5,000 रुपया, और यहां पर मेरे क्रेडिटर्स भी 5,000 से बढ़ गए, सिंपल ट्रांजेक्शन है। देन 7, बॉट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपने रेफ्रिजरेटर खरीद लिया लेकिन पर्सनल यूज के लिए, तो इट विल बी ट्रीटेड लाइक ए ड्रॉइंग। इसको मैं ऊपर ऐड नहीं कर रहा हूं, आप देखेंगे ऊपर रेफ्रिजरेटर की कोई एंट्री नहीं, कैश है, स्टॉक है, फर्नीचर है, कंप्यूटर है, ये सब ऑफिस की एसेट्स है। घर के लिए अगर मैं कोई एसेट ले रहा हूं, तो उसको मैं सिंपल एक लायबिलिटी की तरह, और सॉरी ड्रॉइंग्स की तरह ट्रीट करूं। कैश तो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है, 5,000 रुपए का मैंने जब रेफ्रिजरेटर खरीदा है तो 5,000 से मेरा कैश माइनस होगा, लेकिन ये मैं सीधा सीधा कैपिटल से एडजस्ट करूंगा, बिकॉज इसने मेरी कैपिटल को रिड्यूस किया है, राइट। देन 8th में मैंने कंप्यूटर खरीदा कैश में 20,000, ये तो कुछ ज़्यादा इजी एंट्री हो गई, 20,000, इससे मेरा कैश 20,000 से रिड्यूस हुआ और 20,000 का मेरा कंप्यूटर प्लस हो गया, ठीक है, सिंपल ये दो एडजस्टमेंट इसकी हो गई। 9th एंट्री की मैं बात करूं, तो कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज 10,000, फिर से एक तरह से ड्रॉइंग की सिंपल एंट्री है, जिसमें मेरे को 10,000 यहां से डाउन करने हैं, और आपको पता ही है 10,000 मेरे को कैपिटल में से डाउन करने हैं। जब मैंने 10,000 बिजनेस में से निकाल लिए हैं, तो मैं उसको कैपिटल में से भी डाउन कर दूंगा। लास्ट एंट्री थोड़ी समझने वाली है, यह है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आपको अगर ध्यान हो, तो जब मैंने शुरू में बेसिक थ्योरी कराई थी, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, आई थिंक वीडियो नंबर 4, उसमें मैंने ये डिस्कस किया था कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की अगर हम बात करें, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज एन इनकम फॉर द बिजनेस, क्योंकि एक तरह से जो पैसा उसने निकाला उसके ऊपर वो ड्रॉइंग दे रहा है, लेकिन प्रॉफिट अल्टीमेटली पैसा तो प्रोप्राइटर को ही मिल रहा है,
तो इसमें ना प्लस माइनस दोनों एडजस्टमेंट कैपिटल से ही करेंगे। तो अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की बात करें, जो क्वेश्चन के अंदर आपको 500 दिया है, तो इसमें मैं प्लस 500 भी करूंगा और माइनस 500 भी करूंगा। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी दोनों एडजस्टमेंट अकाउंटिंग इक्वेशन में कैपिटल में ही होती है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए खर्च है, तो मैं 1000 माइनस करूंगा। लेकिन अल्टीमेटली वो मिल तो प्रोप्राइटर को ही रहा है ना, बिजनेस के मालिक को ही रहा है, तो उसकी कैपिटल एक तरह से दैट वे 1000 से अप्रिशिएट होगी, उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो ये एक्सपेंस भी है, लॉस भी है, दोनों चीजें होने की वजह से ये इस तरह से मैंने इसको ट्रीट किया है, राइट। तो नाउ दिस इज ऑल, ये मेरा कंप्लीट हो गया, राइट। तो अब हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि हमारी जो फाइनल अकाउंटिंग इक्वेशन है वो किस फिगर पर खड़ी है। तो हम देखते हैं कि हमारा कैश जो है वो था 50,000, इसमें से हम माइनस किया हमने 20,000, प्लस फिर बाद में 40,000 आया, 5,500 गया, 5,000 गया और 30,000 गया टोटल, मतलब तो ये 29,500 मेरा कैश है, बिल्कुल करेक्ट है। देन उसके बाद स्टॉक मेरा बचा हुआ है 20,000 का, ये भी मेरा बिल्कुल ठीक है। देन फर्नीचर मेरा है 5,000 का, देन मेरा कंप्यूटर है 20,000 का, ये मेरी एसेट साइड पूरी हो गई, राइट। बैलेंस शीट में लिखना होगा तो मैं लिख दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। क्रेडिटर्स 30,000 के थे, 5,000 बाद में बढ़ गए, 35,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एक ही एंट्री है 1100 रुपये की, वो अपनी जगह एज इट इज ही खड़ी है। कैपिटल की मुझे थोड़ा सा चेक करनी पड़ेगी कि सही आ रही है, 50 और 10 60,000, माइनस 5,500, माइनस 1100, माइनस 5,000, माइनस 10,000, नीचे वाले एडजस्टमेंट तो प्लस माइनस ही हो गई, 38,400। एब्सोल्युटली करेक्ट हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, आपकी बुक से मैच कर रहा है। सो हम देख सकते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चंस थोड़ा सा ध्यान से किए जाएं तो कोई बहुत आपके लिए प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे, इजी हैं, आप इनको कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट हो, नंबर्स आपके पास है मेरे, आप आराम से मुझे फ़ोन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, ठीक है। चलो, थैंक यू, बाय।